हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सरिता और आज का टॉपिक है स्किन वाइटनिंग। वैसे तो जो हमारा ओरिजिनल कलर होता है हम इसको बदल नहीं सकते, लेकिन थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स से हम इसको थोड़ा सा निखार सकते हैं, थोड़ा सा इन्हांस कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्यूटीफुल दिख सकते हैं। तो जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें ना कोई पैसा लगेगा, ना कोई लगेगी फीस, और आपके घर की चीज़ों से आपका काम बन जाएगा। स्किन वाइटनिंग के 3 स्टेप है, आप 1 by 1 फॉलो करिए और फर्स्ट स्टेप को आप डेली कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैं लूँगी शुगर। मैंने शुगर 1 स्पून लिया है, मैंने ये ग्राइंड कर लिया है, ये ग्राइंड शुगर है। आप चाहो तो शुगर भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने शुगर इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है और स्किन में थोड़े से रैशेज आने के चांसेस होते हैं, तो मैंने थोड़ा सा इसको ग्रेट कर लिया, थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे लेमन। देखिए मैंने इसमें लेमन ऐड कर दिया है। ये मैं इसकी सीड निकाल देती हूँ, इसकी सीड मैंने निकाल दी है और इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूँगी ये एलोवेरा लीफ है। मैंने लीफ ओरिजिनल इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसका रिज़ल्ट ज़्यादा बेटर होता है अकॉर्डिंग टू इसके जेल जो पैकेट्स में आते हैं। तो मैं इसको, ये बहुत थोड़ा सा है क्योंकि मुझे सिर्फ हाथ में करना है, इसलिए बहुत थोड़ा सा मैंने लिया है। ये मिक्सर में ग्राइंड भी नहीं होगा तो मैं इसको वैसे क्रश करके हैंड में से डाल लूँगी। इस तरह से मैंने इसको क्रश कर लिया और ये अपना रिज़ल्ट ज़रूर दिखाता है इस तरह से भी। ये देखिए इस तरह से आप ब्रश से कर सकते हैं या फिर आप नींबू से भी कर सकते हैं इस तरह से। और इसको आप पूरे हाथ पैर, अपने दोनों हाथ पैरों पे भी कर सकते हैं, पर इसको फेस पे अप्लाई नहीं करना आपको। ये देखिए आप अपने हाथ पैरों पर जहाँ मर्जी आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। नींबू के अंदर विटामिन सी पाया जाता है जो आपके वाइटनिंग में हेल्प करता है। इस तरह से आप इसको 5 मिनट तक कंटिन्यू करिए। हाँ जी, 5 मिनट बिल्कुल करना पड़ेगा आपको क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से आप करते रहिए, टच करते रहिए बाउल में। और आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने लीफ फ्रेश करके डाली है। इससे क्या होगा, इसके बदले आप कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। उससे ये होता है कि थोड़ा सा आपके स्किन के अंदर सॉफ्टनेस बनी रहती है, एकदम बिल्कुल हैंड्स ड्राई नहीं होते हैं। ये देखिए इस तरह से अच्छे से 5 मिनट तक कंटिन्यू करिए। 5 मिनट, हाँ मुझे मालूम है कि ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स को के लिए आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। इस तरह से रगड़िए। सेकंड स्टेप में हम अपने हैंड पर ब्लीच करेंगे। ये मैंने फेम ब्लीच लिया है, आप और भी कोई ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 पिंच एक्टिवेटर डाल दिया है, सिर्फ 1 पिंच लेना है, एक्टिवेटर ज़्यादा नहीं डालना है। इसे मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर दिया है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी है, मैंने सिर्फ हाथों के लिए यूज़ करना है तो मैंने सिर्फ इतनी ही ली है। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। मैं स्पून की हेल्प से कर लेती हूँ। इस तरह से आप इसको मिक्स कर लें। ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है और मैं अपने हाथ पर इसको अप्लाई करती हूँ। ये देखिए इसको इस तरह से आप इसको अप्लाई कर ले। मैंने सिर्फ अभी इतना ही हाथ में यहीं तक किया है, तो यहीं पर आप इसको हाथ पैर दोनों में यूज़ कर सकते हैं। और फर्स्ट स्टेप को आप डेली कर सकते हैं और सेकंड स्टेप को आप हफ्ते में या 15 दिन में एक बार करें।
ये ब्लीच आपको डेली नहीं करनी, ये जब आपको इंस्टेंट चाहिए, कहीं पार्टी में जाना है, कहीं बाहर जाना है, कोई फंक्शन है, जब आप अपने हाथ पर यूज़ करें इस तरह इसको 15 मिनट तक आप रखें और 10 से 15 मिनट के बाद सादे पानी से आप धो लें। थर्ड स्टेप, हम लगाएंगे पैक, जिसके लिए मैं डाली थोड़ा सा ग्राम फ्लोर बेसन, इसमें ऐड कर मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर, और मैं ऐड कर रही इसमें थोड़ी सी मलाई। इसको मिक्स करके आप एक पेस्ट बना लें और अपने हाथ पर इसको लगाएं। मलाई मैंने इसलिए ऐड करी क्योंकि हमारी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी सबको करने के बाद, तो ये अपने आपके हाथ में एक मॉइस्चर बनाए रखेगी। अब मैं अपने हाथ पर अप्लाई करती हूँ इसको। आप कोई और पैक जो आप यूज़ करते हैं वो भी लगा सकते हैं, पर मैं होममेड चीज़ यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैंने ग्राम फ्लोर लिया है। इसकी जगह आप राइस का आटा भी ले सकते हैं। इसको भी आप 10 मिनट तक लगा कर सूखने दें और सूखने के बाद अपने सादे पानी से इसे धो लें। तो देखा आपने कितने 3 आसान से स्टेप्स में आप अपनी स्किन को ग्लोई बना सकते हैं, निखार सकते हैं। ये देखिए मैंने इस हाथ में किया था, यहाँ देखिए आप फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।